नॉर्मली क्या होता है कि आपको सब बोलते हैं कि जी आप काइनेमेटिक्स को डिफाइन कर दो, तो मैं काइनेमेटिक्स को डिफाइन नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे आपको सीधा काइनेमेटिक्स की चीज़ों के बारे में ना बता के पहले मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो चीज़ें यहाँ पे हमें डिस्कस करनी है जो काइनेमेटिक्स की तरफ हमें लेके जाती है। यहाँ पे मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ड्रॉ किया है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन को ओ से मैंने लिखा है। ओरिजिन की जो कोऑर्डिनेट्स है इस पॉइंट पे, इसकी कोऑर्डिनेट्स जीरो और ज़ीरो की इसकी कोऑर्डिनेट्स है, क्योंकि एक्स एक्सिस में ये ज़ीरो है और वाई एक्सिस में भी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वाई एक्सिस में भी ये ज़ीरो को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरफ हमारी तरफ ये एक्स एक्सिस को दिखा रहा है और वर्टिकली अपवर्ड यहाँ पे वाई एक्सिस को मैं दिखा रहा हूँ। अगर मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि आर डिस्टेंस पे, ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखो कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट ली हुई है, ठीक है, और इसकी पोजीशन है, मतलब ये जो है ना इसके लिए ये इसकी पोजीशन है, बात को समझोगे आप। ये जहाँ पे हमने लिया हुआ है इसको मैं आर वन ले लेता हूँ, यहाँ पे नाम, यहाँ पे इस डिस्टेंस की नेमिंग को मैं आर वन बता देता हूँ। अब ये जो पोजीशन है यहाँ पे है, ये पोजीशन की बात हो रही है, बात समझेंगे, ये पोजीशन मतलब ये जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अब मान लो कि कोई आदमी है, अगर वो उसकी पोजीशन ये रही हो यहाँ पे, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे उसकी पोजीशन रही होगी और इस पोजीशन को देखते हुए वो आदमी यहाँ से, मान लो कि इस पोजीशन पे ये आदमी था यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक आदमी को ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, और ये जो ये एक आदमी है और इसकी पोजीशन जो है ओरिजिन से इसकी पोजीशन आर वन है। सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी, अगर वो डिस्टेंस यहाँ से कवर कर रहा है तो पहली बात उसने क्या पूछा अपने आप से कि भाई मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी रही होगी, मेरी स्पीड कितनी रही होगी, किस वेलोसिटी से मैं चला था, मेरा एक्सलेशन भी था या नहीं था, अगर एक्सलेशन है तो क्या है, तो ये सारे सवाल उसके दिमाग में यहाँ पे चल रहे थे जब वो अपने डिस्टेंस को कवर कर रहा था। और डिस्टेंस कवर कर चुका उसके बाद उसने अपने आप से पूछा कि ये सारे सवाल को अपने आप से पूछा, और उसके बाद एक लास्ट चीज़ जो थी उसके दिमाग में कि हाउ मच टाइम एलेप्स ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग हिज मोशन, उसके पूरे मोशन के ड्यूरेशन में कितना टाइम लगा। तो यहाँ पे अगला सवाल उसके पास यही था कि हाउ मच टाइम इलैप्स्ड बाय या इलैप्स्ड ड्यूरिंग मोशन आप कह सकते हैं, इलैप्स्ड ड्यूरिंग मोशन, सीधा मैं लिख रहा हूं इलैप्स्ड ड्यूरिंग मोशन। तो ये सारे सवाल थे उसके दिमाग में और वो जानना चाहता था कि क्या चीज़ है यहाँ पे, कैसे उसके बारे में बात की जाए, ठीक है। यहाँ पे ये सारे सवाल उसके मन में चल रहे थे। तो इनफैक्ट काइनेमेटिक्स जो है वो काइनेमेटिक्स के अंदर ये सारी चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करना है, जिसमें हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सलेशन के बारे में जानते हैं, और इवन अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो हम ये पोजीशन को भी देख रहे हो आप, पोजीशन भी है यहाँ पे। इन शॉर्ट कहा जाए तो कि इफ बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन, द होल एक्टिविटीज ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ टाइम इलेप्स्ड, जैसे कि ये आदमी चल के यहाँ से यहाँ तक आया, उसमें जो पूरा एक्टिविटी हुई है उस सारी चीज़ों के बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन का गैदर करना, एक इंफॉर्मेशन की कलेक्शन करना, ये सारा का सारा पार्ट काइनेमेटिक्स माना जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ काइनेमेटिक्स, पूरी तरह से यहाँ पे इसकी स्पेलिंग को मैं आपके साथ यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझना।
और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। आप देखो, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात होती है काइनेमेटिक्स मतलब क्या होता है। अगर हम समझना चाहें कि काइनेमेटिक्स इनफैक्ट है क्या, तो ये थोड़ा अपने आप में थोड़ा सा लगता है कि भाई डिफिनेशन किसी से पूछ लो कि काइनेमेटिक्स क्या है, तो वो आपको तुरंत ही डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं काइनेमेटिक्स की डिफिनेशन की बात नहीं करूँगा। काइनेमेटिक्स को मैंने यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब ये क्या है भाई, कोई हिंदी थोड़ी है या इंग्लिश थोड़ी है कि काइनेमेटिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो देखो कैसे डिवाइड करेंगे। एक पार्ट है इसका टाइम, KINE, एक पार्ट है काइन, और दूसरा पार्ट है इसका मैटिक्स, MATIC। ठीक है, एक पार्ट काइन है और दूसरा पार्ट क्या है, मैटिक है। तो क्या मतलब है काइन का और मैटिक का, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, काइन जो होता है, काइन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है काइन का कि टू मूव। जी हाँ, अगर आज आपको ये भी पता लग गया कि काइनेमेटिक्स इतने अच्छे से आपको समझना है, तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि काइन का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब है टू मूव। टू मूव करने का मतलब क्या हुआ, टू मूव करने का मतलब, तो इसका मतलब क्लियर हो गया ना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मोशन। टू मूव करने का मतलब हो गया कि इसका मतलब ही साफ बात हो जाता है कि इसका मतलब है मोशन। ठीक है, ये हो गया आपका मोशन। अब ठीक है, आपने बोल दिया कि जी मोशन, तो मैटिक क्या होता है, तो मैटिक मतलब होता है मैथ। तो मतलब मोशन को कुछ मैथमेटिकल वे में एनालिसिस करके समझना ही काइनेमेटिक्स कहलाता है। ठीक है, आपको सिर्फ समझना है, मतलब ये देखो काइनेमेटिक्स, आपको अभी तक आपने बहुत बार काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा होगा कि डिफिनेशन पढ़ा होगा, लेकिन ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपको सिर्फ समझना है। इसी को आप नोट करते कह जाओगे अपनी नोटबुक में, हर चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर रख करके आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो पूरी तरह से मतलब मोशन को एनालिसिस करके अच्छे से मैथमेटिकल सपोर्ट के साथ उसको मैथ को समझना ही काइनेमेटिक्स होता है। ये डिफिनेशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। इसके इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स मैं पूरी तरह से इसको डिफाइन कर देता हूँ। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। राइट, काइनेमेटिक्स की डिफिनेशन ये लिख दी है मैंने। इसके बाद दूसरे, पहले मैकेनिक्स को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैकेनिक्स के बारे में साफ साफ बता दूँ आपको कि मैकेनिक्स में इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जो वो ओवरऑल फिजिक्स के ब्रांच का है, जिसमें आप स्टडी करते हो कि बॉडी रेस्ट में है और मोशन में है ना, इसके बारे में आप स्टडी करते हो। ये सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच कहा जा सकता है, फिजिक्स का ओल्डेस्ट ब्रांच है ये, सबसे ज़्यादा सिंपल ओल्डेस्ट ब्रांच, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अदरवाइज बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन, रेस्ट में हो या मोशन में, इसकी स्टडी हमें यहाँ पे करनी होती है मैकेनिक्स के अंदर। नंबर वन स्टैटिक्स, मैकेनिक्स के जो तीन पार्ट हमने डिवाइड किए हैं उसमें नंबर वन पे स्टैटिक्स, स्टैटिक्स से ही पता लगता है कि बॉडी, इसका मतलब बॉडी जो भी है वो रेस्ट में है ना, मोशन में नहीं है। स्टैटिक मतलब भी रेस्ट होता है, क्लियर है? तो पहला जो है वो स्टैटिक्स है। नंबर टू काइनेमेटिक्स मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। तो नंबर टू में आपका काइनेमेटिक्स है, जिसके बारे में हमने बात कर ली, मतलब बॉडी मोशन में होनी चाहिए है ना,
काइनेमेटिक्स में क्या होता है, बॉडी मोशन में होनी चाहिए। और नंबर थ्री जो है डायनेमिक्स, तो इस तीनों के बारे में भी समझेंगे कि क्या चीज है ये तीनों चीज। डायनेमिक्स देखिए, एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो। बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि मान लिया जाए स्टैटिक्स मतलब रेस्ट में है, और स्टैटिक्स में रेस्ट में तो आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पुट करने की जरूरत नहीं है, फिर स्टैटिक्स एज यूजुअल है। काइनेमेटिक्स मतलब मोशन में है, लेकिन रेस्ट और मोशन की बात जो हो रही है वो किस बेसिस पे हो रही है उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, अगर बॉडी अपने टाइम जो पास हो रहे हैं, टाइम पास होने के साथ साथ अगर बॉडी के पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आता है विद रिस्पेक्ट टू द अदर बॉडी, जो वैसी बॉडी जो कि ऑलमोस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्ट में है, तो मैं आपसे ये चीज़ आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। रेस्ट में होने का मतलब ये नहीं कि बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा हो। बहुत बार दिमाग में ये बात होती है बॉडी रेस्ट में मतलब बॉडी रखी हुई है, पड़ी हुई है, मतलब हमने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया। बहुत बार ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा मैं उसको आपको क्लियरिफाई कर देना चाहता हूँ कि बहुत बार बॉडी में अगर दो साइड से, चाहे लेफ्ट साइड और राइट साइड से, अगर इक्वल अमाउंट का फोर्स लग रहा हो तो उस केस में भी बॉडी रेस्ट में होता है। चाहे जितना अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हो उतना डाउनवर्ड में लगा रहे हो, तो दोनों अगर इक्विलिब्रियम में फोर्स लग रहा है उस सिस्टम पे तो बॉडी मोशन में नहीं होती, तो वो केस भी बॉडी का रेस्ट माना जाता है। मतलब इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच द डील्स ऑफ स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज स्टैटिक्स, राइट। फोर्स लगता है लेकिन बॉडी उसके बाद भी अगर इस पे फोर्स जो है वो इक्विलिब्रियम में लग रहा है तो बॉडी इसका मतलब रेस्ट में है, राइट। और उसी तरह से दूसरे केस में काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि अगर बॉडी मोशन में है लेकिन आपको उसका रीज़न नहीं पता, जैसे कि मैंने ऊपर में डिस्कस किया आपके साथ कि उसका रीज़न नहीं पता कि बॉडी के मोशन में होने का क्या रीज़न है, तो वो काइनेमेटिक्स माना जाएगा, राइट। थर्ड जो पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि अगर डायनेमिक्स में हमें बॉडी के मोशन में होने का रीज़न भी पता होना चाहिए कि किस रीज़न से बॉडी मोशन में है, तो ये आपके डायनेमिक्स का पार्ट होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा है, मैकेनिक्स की ही बात आप कर रहे हो, मैकेनिक्स को ही मैं बात कर रहा हूँ, मैकेनिक्स के अलावा मैं कुछ बात नहीं कर रहा। और मैकेनिक्स के ही तीन पार्ट हैं, एक स्टैटिक्स है, एक काइनेमेटिक्स है। स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, काइनेमेटिक्स मतलब मोशन, और डायनेमिक्स मतलब मोशन में लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक है उस बॉडी का जो जिसके कारण वो बॉडी मोशन में है, ये चीज वहां पे देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इस तीनों को यहाँ पे इस तरह से डिवाइड किया गया है। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर आप नीचे से आप देख रहे हो कोई कोई, मान लो कि आपके सेकेंड फ्लोर पे कोई बच्चा खड़ा है, आप देख रहे हो वहां से, ठीक है, आप देख रहे हो, आपने देखा कि वो रेस्ट में है, राइट, आपने देखा कि रेस्ट में है। तो अगर आपने उसको देखा कि आप उसको वो रेस्ट में है और थोड़ी देर के बाद मैं देख रहा हूँ कि वो बच्चा गिर रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि वो गिर रहा है, मतलब वो काइनेमेटिक्स का पार्ट होगा। लेकिन जब ओवरऑल जब उसका पता लगाया गया कि भाई किस कारण से वो मोशन में था, मतलब गिर किस कारण से रहा था, कि ऊपर से आपने उसको पुश कर दिया या क्या किया आपने, तो आप लोगों में से जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने 17 व्यूअर्स हैं अभी, उस 17 में से किसने उसको पुश किया है, उसके पीछे कौन, उस किसका हाथ है जिसने उसको पुश किया है, तो वो उसका मतलब वो रीज़न बन गया कि जिसके कारण वो मोशन में हुआ, तो जिसके कारण वो मोशन में हुआ वो पार्ट हुआ डायनेमिक्स का, राइट। अगर मैंने देखा कि वो रेस्ट में है, वो नहीं गिर रहा है, आपने देखा कि वो रेस्ट में है, ठीक है, तो उसका मतलब स्टैटिक्स है, मैंने देखा मोशन में है, मतलब वो काइनेमेटिक्स है। और अगर पता लग गया कि क्या कारण है उसके नीचे गिरने का, किसने उसको धक्का दिया है, तो वो क्या होगा, वो डायनेमिक्स का पार्ट होगा। तो इस तरह से मैकेनिक्स को तीन पार्ट में हमने डिवाइड करके समझने की कोशिश की है यहाँ पे। और इस दोनों की डिफिनेशन की बात मैंने बता दी है, डिफिनेशन कैसे डिफाइन करते हैं,